रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना में शामिल स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाले हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ती भारतीय सेना के लिए एक और गौरवशाली दिन है। और इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जोधपुर एयरबेस से लाइव आ रही हैं, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसमें रक्षा मंत्री उड़ान भर रहे हैं। दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये दरअसल बहुत वक्त से वायुसेना की मांग थी। तस्वीरें दूसरी तरफ आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सवार, चीजों को समझते हुए पूरी सतर्कता बरतते हुए एक एक चीज का ध्यान यहां पर रखा जा रहा है। जब रक्षा मंत्री इसमें उड़ान भरेंगे, जाहिर तौर पर दुनिया भर की नजरें इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर होंगी। एसीएच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये उड़ान जिसमें चीते सी फुर्ती और बाज जैसी नजर है। जोधपुर एयरबेस से मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए सुबह से ही आप इस गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, जाहिर तौर पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की ये बेहद भव्य तस्वीर, लेकिन इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और कितना लंबा ये कार्यक्रम चलने वाला है? देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी है एलसीएच में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड है। तो प्रचंड जो है, हम सबने जो है एक ऐतिहासिक क्षण देखा यहाँ पे, जहाँ पहली फ्लाइट इंडक्शन के बाद प्रचंड की उड़ते हुए हमने देखी और उसमें रक्षा मंत्री थे। और बड़ा लम्हा है ये भारतीय वायुसेना के लिए भी और भारतीय सेना के लिए भी, क्योंकि ऐसे 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की क्लियरेंस अभी तक दे दी गई है। 10 वायुसेना के लिए हैं, 5 इंडियन आर्मी के लिए हैं, हालांकि अभी इंडियन एयरफोर्स को 4 की डिलीवरी मिल गई है, आने वाले कुछ महीनों में 6 और मिल जाएंगे। और जहां तक के भारतीय सेना का सवाल है, 1 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी मिल गई है भारतीय सेना को, और इस महीने में ही 4 और ऐसे हेलीकॉप्टर आर्मी को भी मिलेंगे। लेकिन एचएएल जो के मैन्युफैक्चरर है इसका, उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पास क्षमता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए और 3-4-5 साल में 150 हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता है। इसके लिए अगर उन्हें 30 हेलीकॉप्टर हर साल भी बनाने पड़े तो एचएएल पूरी तरह से सक्षम है, और अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नेहा, क्योंकि फिर जो पुरानी फ्लीट है Mi-35 Mi-25 हेलीकॉप्टर्स की, जो कि रशियन ओरिजिन के हैं, वो पूरी तरह से फेज आउट हो जाएंगे। और क्योंकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर काफी यूनिक है, क्योंकि चाहे तेज तपती गर्मी हो रेगिस्तान की 50 डिग्री की, या फिर 16,000 फीट पर -50 की टेम्परेचर हो, एलसीएच में वो क्षमताएं हैं। और इसीलिए जो माउंटेनस वॉरफेयर के लिए इसमें कैपेबिलिटीज हैं, ये इसकी वजह से और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग है। और जिन माउंटेनस कैपेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उसी को और इलैबोरेट करते हुए अगर यहां पर हमारे दर्शकों को ये आप समझा सकें कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से चीन हमारे ऊपर नजर बनाए रखता है, एलएसी पर जिस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर से क्या मदद मिलेगी, क्योंकि वायुसेना के लिए ये आज एक बेहद अहम एडिशन बताया जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए जो टाइमिंग है इस इंडक्शन का वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह का थ्रेट चीन से है। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि इंडक्शन से 2 साल पहले, जब चीन के साथ मई 2020 में लद्दाख सेक्टर में तनातनी शुरू हुई थी, तो 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वहां पर डिप्लॉय कर दिए गए थे, क्योंकि ये जानना चाहती थी वायुसेना कि क्या उसमें वो सारी क्षमताएं हैं जो उस टफ माउंटेनस टेरेन के लिए चाहिए, और क्या क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकता है एलसीएच का किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। और पता चला कि एलसीएच 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले पूरी तरह से सक्षम पाया गया था, तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और राहत थी इंडियन एयरफोर्स के लिए कि एलसीएच जो है 16,000 फीट पर ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से सक्षम था। और
डिप्लॉयमेंट भी जो इसका है नेहा, मैं आपको बता दूं, जो आर्मी डिप्लॉयमेंट कर रही है वो ईस्टर्न सेक्टर में कर रही है, चीन का थ्रेट परसेप्शन देखते हुए ही। जो एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो रेगिस्तान में भी होगा क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर भी नज़दीक है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो जो बर्फीली चोटियाँ हैं 15-16 हज़ार फीट पर, वहाँ पर भी इसका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो इसके खास फीचर्स हैं, खास करके इसका जो रोटर डिज़ाइन है वो इसको बहुत ज़्यादा मनूवरबिलिटी देता है। यही कारण है कि अगर घाटियां जहां पे फ्लाइंग मुश्किल होती है, टेरेन मुश्किल होती है और बड़े पतले घाटियां होती हैं, वहां पे इसकी जो मनूवरबिलिटी और एजिलिटी है इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है कैपेबल बनाता है और टॉप चॉइस जिसको कह सकते हैं बनाता है उस किस्म के वॉरफेयर के लिए। एंटी टैंक वेपनरी जो इसमें है, पहले हेलिना जिसको कहते थे, हेलीकॉप्टर नाग मिसाइल, उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, ध्रुवास्त्र वो इसमें होगा। इसके अलावा 48 रॉकेट जो है कैरी करने की क्षमता है। एक आगे टरेट गन है जो जो के बहुत ज़्यादा पोटेंट है, 800 राउंड फायर कर सकती है। जो हेलीकॉप्टर का कॉकपिट है वो पूरा शीशे का है, ग्लास कॉकपिट है, कैनेपी जो है उससे जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फीचर्स LCH को काफ़ी यूनिक बनाते हैं और यही कारण है कि जो पायलट्स हैं जो इसको उड़ाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उन्होंने पहले नहीं उड़ाया। और जो ये LCH में रक्षा मंत्री की सवारी है कितनी देर तक चलने वाली है यहाँ पर अभिषेक? नेहा, 15 मिनट के आसपास, अभी हमने देखा था, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट तो हो चुके हैं। तो रक्षा मंत्री भी जो है पूरा फुल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम कह सकते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ग्लास कॉकपिट की जो मैं बात कर रहा था, तो विजिबिलिटी एक बड़ा यूनिक फीचर है जो और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में नहीं है। और रक्षा मंत्री ने तो खैर रफाल भी उड़ाया था फ्रांस में, जब रफाल का इंडक्शन था, मैं खुद मेरिनाक में उस वक्त वहाँ उपस्थित था इंडक्शन के टाइम, और अब फिर से यहाँ पर भी LCH उड़ाते हुए। और खास बात है कि जो ग्रुप कैप्टन इसको उड़ा रहे हैं, ग्रुप कैप्टन दीपक बिश्नोई, वो इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो प्रचंड तो नाम दिया गया है LCH को, साथ ही साथ तेज तरार नाम स्क्वाड्रन का है, धनुष स्क्वाड्रन। तो सिंबलिज्म भी होता है और जोश हाई रहता है ऐसे ऐसे मौकों पर। मैंने यंग पायलट से भी बात की कि किस तरह का मोराल है, क्या फीलिंग है, क्या बज़ है उनकी स्क्वाड्रन में, तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत उत्साहित थे। कल मैं यहाँ पे एक दिन पहले आ गया था और यहीं पे सारे क्रू और स्टाफ यंग पायलट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ और बहुत ज़्यादा मोराल हाई है और सब यही कह रहे हैं कि चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर है अगर हम बात करें एज द क्रो फ्लाइज, या फिर बर्फीली पहाड़ियाँ हों, हर जगह लड़ने के लिए प्रचंड सक्षम माना जा रहा है। अभिषेक, अभी फिलहाल 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया है, आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है क्योंकि ये फेज वाइज इंडक्शन होता है, ये पहला चरण है, इसके बाद दूसरे चरण में कितने होंगे? जी, जो ये क्लियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से आई थी वो 15 की थी, 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट था। तो बजट एक बड़ा कंस्ट्रेंट है, मतलब फोर्सेस यही कह रही हैं, HAL का भी यही कहना है कि अगर सरकार बजट क्लियर कर दे तो क्षमता है HAL के पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। 30 हेलीकॉप्टर एक साल में बनाने का दावा कर रहा है HAL, अगर ऐसा वो कर सकता है तो 5 साल में 150 हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर 150 हेलीकॉप्टर HAL बना सकता है तो HAL का कहना है कि ना सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अगर सामने आए तो उनके लिए भी इन 150 से जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। जो पुरानी फ्लीट है Mi-25, Mi-35 रशियन ओरिजिन के हैं, काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं, उनको फेज़ आउट करना बहुत ज़रूरी है।
तो जिस तरह से एलसीए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए कहा जा रहा है कि वो बैकबोन होगा इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू विमान फाइटर फ्लीट का, उसी तरह से आने वाले सालों में एलसीएच प्रचंड बैकबोन हो सकता है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए। और जिस तरह की क्षमताएं इसमें हैं, जो यूनिकनेस इसकी है, वो इसको पूरी तरह से कैपेबल समझा जा रहा है। और आने वाले समय में एलसीएच प्रचंड भारतीय वायुसेना ही नहीं लेकिन इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंट और यूजफुल मशीन माना जाएगा। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। राजनाथ सिंह एलसीएच की ओर बढ़ते हुए, एलसीएच प्रचंड में आज उनकी उड़ान, और ये उड़ान 15 मिनट तक चलने वाली है ऐसा जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर बाद उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। ये दरअसल लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि इस तरीके का एलसीएच भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाए। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। अभिषेक, लगातार ये मांग थी लेकिन वक्त क्यों लग गया? क्या बजट कंस्ट्रेंट सिर्फ एक वजह थी या फिर कई और वजह? देखिए, वजहें बहुत हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स आपने कहा बिल्कुल एक सही बात है, और वही कारण है कि 15 का ऑर्डर दिया गया और 50 का नहीं। अगर ज़रूरत है तो एचएल 50 भी दे सकता था, समय शायद थोड़ा और लगता, लेकिन उसके पास कैपेबिलिटी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, ऐसा बार बार एचएल बोल चुका है। आज भी एचएल के चीफ ने यहाँ पे इस बात को दोहराया कि अगर ज़रूरत होगी तो प्रोडक्शन तेज किया जा सकता है। कारगिल युद्ध के समय ये रियलाइजेशन आई थी कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बहुत ज़रूरत है हाई माउंटेनस वॉरफेयर में, खास करके जहां चोटियों पे दुश्मन बैठा हुआ है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग कर सकता है, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है और घातक हमले कर सकता है। उसके बाद से 2006 में एचएएल ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया ऑफिशियली, 2010 में पहली लैंडिंग हुई, पहला टेक ऑफ हुआ। उसके बाद से आपके पास विंग कमांडर सौरभ शर्मा से खास बातचीत की आज तक ने, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वो अफसर जो इस स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, धनुष नाम दिया गया है इस स्क्वाड्रन को, 143 हेलीकॉप्टर यूनिट। सबसे पहले फ्लाइट कमांडर, विंग कमांडर सौरभ शर्मा, आपने ये हेलीकॉप्टर पहले उड़ाया है टेस्टिंग के समय, कैसा एक्सपीरियंस रहा था और कैसे ये हेलीकॉप्टर औरों से अलग है? ये हेलीकॉप्टर एसेंशियली एक रिजिड रोटर प्लेटफॉर्म है। ये हेलीकॉप्टर एक काफ़ी केयरफुली डिजाइंड और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है जिसने हमारे जितने भी मापदंड थे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ले डाउन किए थे उन सब के ऊपर ये खरा उतरा है। ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल मशीन है बिकॉज ऑफ द रिजिड रोटर सिस्टम। इसमें जो रिस्पॉन्स है पायलट का वो इमिजिएटली इसके रोटर तक जाता है और ये रोटर एकदम तेज तर्रार और बहुत ही ज़्यादा चपलता के साथ मैनूवर कर सकता है। इसके अंदर बहुत उत्तम टेक्नोलॉजी लगी है जिसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजेस, ये सारे के सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन ऑल द वॉर फाइटिंग मशीन्स वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से दिन या रात इस हेलीकॉप्टर में आप कभी भी किसी भी वक्त इसको आप बैटल पे लेके जा सकते हैं और विजय पाकर पा सकते हैं। कैसे हमारी क्षमता बढ़ती है इस मशीन के आने से? अगर आपको याद होगा तो 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जब हमारे को इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमारी हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर हमारे पास एम्प्लॉय करने के लिए एक इतनी काबिल मशीन नहीं है। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स और एचएएल ने मिलकर जो रिसर्च करी उस सब का ये हेलीकॉप्टर है। इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा मैनूवरेबल, इस हेलीकॉप्टर से ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर और कोई है नहीं। अभिषेक भल्ला मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अभिषेक, राजनाथ सिंह की उड़ान खत्म हो गई है, लैंड हो गया एलसीएच उनका? जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर बिल्कुल लैंड करने वाला है और जाहिर सी बात है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा रक्षा मंत्री के लिए। पहले भी उन्होंने इस तरह की उड़ानें भरी हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एलसीएच ना सिर्फ
इंडियन एयरफोर्स लेकिन इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन है। और जहां एक स्क्वाड्रन तैयार हो गई है इंडियन एयरफोर्स की, 10 में से 4 की डिलीवरी मिल गई है, 6 और कुछ महीनों में हो जाएंगे। वहीं इस महीने के अंत तक इंडियन आर्मी के पास भी 5 अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होंगे। तो साफ मतलब है कि दोनों आर्मी और एयरफोर्स को इसकी ज़रूरत है। और जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो ईस्टर्न सेक्टर में होगी, जाहिर सी बात है चाइना का थ्रेट देखते हुए। और जो एलसीएच की खास फीचर्स हैं वो इसको बहुत सक्षम बनाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में। टफ टेरेन्स जहां हों, जहां वैलीज हों, जहां पे मनूवर करना एक भारी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के लिए मुश्किल हो जाता है, वहीं पर एलसीएच जो है बहुत यूजफुल माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मनूवरेबिलिटी है इसके रोटर एडवांस रोटर सिस्टम की वजह से, उसकी वजह से ये एकदम एक गेम चेंजर जिसको कहते हैं, ठीक है, उन एरियाज में साबित हो चुका है। बेहद दिलचस्प तस्वीरें उस एलसीएच की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवार हैं। जी हाँ, प्रशांत का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सुबह से ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कई सारी खूबियों से लैस है, मेक इन इंडिया है, और जाहिर तौर पर ये इस वक्त एयरफोर्स की शान बन चुका है। 15 एलसीएच इस बेड़े में शामिल किए जा रहे थे लेकिन अभी 10 फिलहाल शामिल किए गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इसी तरह के एलसीएच प्रचंड भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे ताकि हर कठिन परिस्थिति, चाहे वो नाइट विजन की ही क्यों ना बात हो, हर जगह पर जहां सेना को दिक्कतें आती हैं वहां ये एलसीएच मददगार साबित होगा। और हम आपको खूबियां दिखा ही रहे हैं, एलसीएच खास क्यों है। इसका वजन 5,800 किलोग्राम, रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 रॉकेट पॉड हैं इसमें, डायरेक्ट फायरिंग रेंज है 4 किलोमीटर तक की, एक बार में 3.25 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। सर्वेलांस और टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस, 2 पायलट्स के बैठने की क्षमता और 16,000 फीट तक की ऊंचाई ये तय कर सकता है। तो एयरफोर्स को ये सौगात और आज उत्सव जैसा माहौल आज जोधपुर बेस में देखा जा रहा है, जहां पर एलसीएच जिसमें रक्षा मंत्री सवार हैं अब लैंड कर रहा है। तो ये स्वदेशी योद्धा अब आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना की आन बान शान सब कुछ बन चुका है। और जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान दोनों देश भारत पर नजर गड़ाए रहते हैं, उन दोनों देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एलसीएच हमेशा मुस्तैद। चाहे सकरी पहाड़ की वादियां हो या फिर कोई और दुर्गम स्थान, हर जगह पर पहुंचने में ये सक्षम है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि ये एलसीएच प्रचंड आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूती देगा भारतीय वायुसेना को, कारगिल युद्ध के बाद से ही इसकी मांग की जा रही थी और अब लगभग 25 साल बाद ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रक्षा मंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले उड़ान भरी थी, 15 मिनट तक की उड़ान चली, अब उनका ये एलसीएच प्रचंड लैंड कर चुका है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरे एयरफोर्स के घेर में राजनाथ सिंह, के बाद उनकी 15 मिनट की उड़ान और अब वापस एयरबेस। ये दरअसल पूरे देश के लिए आज बेहद गौरवशाली दिन है, सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं बल्कि हर उस नागरिक के लिए जो ये उम्मीद करता है कि भारतीय वायुसेना के तीनों अंग बेहद सक्षम हो। हालांकि
कई बार ये मांग रखी गई कि एलसीएच प्रचंड को शामिल किया जाए और अब आखिरकार वो मांग पूरी हो चुकी है। भारतीय वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिली है। 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना में पहली खेप के रूप में शामिल किए गए। इन हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला भी मुमकिन है और ये दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकते हैं। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दहलेगा दुश्मन। ऊंची पहाड़ियों पर सेना दिखाएगी दम। हिमाकत से पहले 10 बार सोचेगा दुश्मन। कारगिल की जंग के दौरान ऊंची बर्फीली चोटियों पर सेना ने जो कमी महसूस की थी वो अब पूरी हो गई है। भारतीय वायुसेना और थल सेना को मिल गई है एक नई ताकत। इस नए और स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बेंगलुरु में बनाया है। करीब 6 टन वजनी इस हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि ये पहाड़ी इलाके में आसानी से अपने फुल कैपेसिटी में मिसाइल और दूसरे हथियारों के साथ ऑपरेट कर सकता है। साथ ही ये दुश्मन के रडार से भी आसानी से बचा रह सकता है। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उन हाइट्स पर उस वक्त कोई भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो गया और अब इतने साल बाद भारतीय वायुसेना को 10 ऐसे हेलीकॉप्टर मिले हैं। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को भी मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कि Mi-25 और Mi-35 की फ्लीट है उनको ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेंगे और HAL पूरी कोशिश करेगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। अपने कम वजन की वजह से ये हेलीकॉप्टर ऊंची चोटियों पर खासा कामयाब है। खास तरह के धातु से इसको बनाया गया है। इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा मैनूवरेबल, इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर और कोई है नहीं। हिमालय की सारी ऊंचाइयों को इसने विजय प्राप्त कर ली है। ये हेलीकॉप्टर इज स्पेशली सूटेड टू बी यूज्ड इन थार डेजर्ट, इन द डेजर्ट्स, इन द जंगल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज हिमालय। अपने जितने भी टेरेन है, जितने भी अपने वॉर फ्रंट हो सकते हैं, सब जगह ये हेलीकॉप्टर एक उम्दा तरीके से यूज किया जा सकता है। इसमें बहुत ही बढ़िया पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है और बहुत ज्यादा मैनूवरेबिलिटी होने की वजह से इस हेलीकॉप्टर को आप किसी भी टाइट एरिया के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इट इज एबल टू फ्लाई वेरी क्लोज टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ इट्स मैनूवरेबिलिटी। वायुसेना के जोधपुर एयरबेस पर देश में बना पहला यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना में शामिल हुआ। पहले यूनिट में 10 LCH शामिल हुए। इसकी बॉडी और रोटर्स ऐसे बने हैं कि गोली का कोई खास असर नहीं होगा। सियाचिन से लेकर रेगिस्तान और समंदर में इसकी तैनाती मुमकिन है। ये आगे से बहुत पतला है ताकि इस पर हवा का दबाव कम रहे। इसकी टॉप स्पीड करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटा है। जाहिर है कि इस हेलीकॉप्टर के रूप में भारत की सेना को नई ताकत और महारत मिली है जो दुश्मनों की चिंता का सबब बनने के लिए काफी है। जोधपुर से अभिषेक भल्ला, आज तक। और इस वक्त जोधपुर के एयरबेस से मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या कुछ कह रहे हो LCH को लेकर, सुनिए। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था कि यहाँ पर इंडिजिनस सारे प्लेटफॉर्म, वेपन्स और यह हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स बनने चाहिए, तो उनके इसी मंशा के अनुरूप, हमारे प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप ही यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस है वह बना है। इसमें मिसाइल के द्वारा भी मार सकता है, अन्य भी बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा भी यह अटैक कर सकता है।
लेकिन अटैक अटैक उसी पर करेगा जो कि भारत का दुश्मन होगा। सर आपकी पहली सॉर्टी कैसी रही, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही स्मूथ थी। और हमारे साथ मिस्टर दीपक बिश्नोई, ये उसमें पायलट थे, इन्होंने मुझे फ्लाई किया। यू आर द फ्लाइंग ऑफिसर। सर तो अब हम मेक फॉर द वर्ल्ड कर रहे हैं, मेक फॉर वर्ल्ड कर रहे हैं हम लोग, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सर आपने इससे पहले भी हेलीकॉप्टर में सॉर्टी ली है, आपको लगता है कि जो विदेशी अपाचे है या तमाम हेलीकॉप्टर से उनको बीट कर सकता है ये हेलीकॉप्टर? नहीं नहीं, अपने बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। मैं समझता हूँ कि एक हेलीकॉप्टर की दूसरे हेलीकॉप्टर से तुलना करने की भी कोई बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मैंने कहा, यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। और साथ ही अपने टारगेट को अटैक भी कर।